अगर आप जो भी खाना खाएं और वो आपके शरीर पर लगे तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप जो भी खाना खाते हो वो आपके शरीर में सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है, सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए आपका शरीर कमजोर है और आप सही से शरीर नहीं बना पा रहे हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है और पचता है, और खाना पचाने में मेन रोल पित्त रस का होता है जो हमारे लीवर में बनता है। फिर वो पचा हुआ खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और हमारा लीवर उस खाने के पोषक तत्व को निकालकर अपने पास स्टोर कर लेता है, और फिर उन पोषक तत्वों को हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर को सप्लाई करता है और हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इन सब बातों को जानकर हमें एक बात समझ में आ गई है कि हमारे खाने को पचाने से लेकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने तक में हमारा लीवर एक मेन रोल प्ले करता है। तो अगर हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो हमें अपने लीवर को मजबूत बनाना होगा। तो लीवर को मजबूत करने के लिए आपको खाना होगा हरे पत्तेदार सब्जियां जो आपके लीवर को साफ रखता है। दूसरी चीज है दही। दही में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर को हमारे पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को निकालने में आसानी होती है और हमारा शरीर मजबूत बनता है। तीसरी चीज आपको खाना है सलाद। सलाद खाने से हमारा लीवर क्लीन होता है और हमारे शरीर से बैड बैक्टीरियाज बाहर निकलते हैं। आप लोग जो पैकेट बंद चीजें खाते हैं जैसे चिप्स और कुरकुरे, ये सब खाना कम कर दें, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं और इससे हमारे लीवर पर प्रेशर पड़ता है और लीवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आप डेली 15 से 30 मिनट तक जॉगिंग या रनिंग करें, इससे आपका लीवर हेल्थी बनेगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें शरीर को हेल्थी रखना है, अपने मसल्स बनाने हैं, तो हमें अपने लीवर को हेल्थी बनाना होगा। तो इन सब चीजों को फॉलो करके आप अपने शरीर को बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लीवर हेल्थी है तो आपकी पूरी शरीर हेल्थी रहेगी, आपके मसल बनेंगे, आपके बॉडी का ग्रोथ होगा। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।